देश में वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि। 68 साल के बुजुर्ग को वैक्सीन लगने के बाद एलर्जी हुई, इसी से इनकी मौत हुई। 8 मार्च को लगा था टीका। एनाफिलैक्सिस एलर्जी के लक्षण, स्किन पर रैसेज हो जाते हैं, खुजली होने लगती है और सूजन भी आ जाता है। खांसी, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आती है, शरीर पीला पड़ जाता है, पल्स रेट भी घट जाती है और गला भी टाइट हो जाता है। भारत में कोरोना वैक्सीन की वजह से 68 साल से बुजुर्ग की मौत की पुष्टि हुई है। सरकार की ओर से गठित पैनल ने इसकी पुष्टि की है। इंडिया टुडे के मुताबिक 68 साल के बुजुर्ग को 8 मार्च को वैक्सीन की डोज दी गई थी, जिसके बाद उसमें एनाफिलैक्सिस जैसे साइड इफेक्ट दिखे थे, इसके बाद उनकी मौत हो गई। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, इससे शरीर में बहुत तेजी से दाने उभरते हैं। 31 मौतों की असेसमेंट के बाद पुष्टि। वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर बीमारी या मौत होने को वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर बीमारी या मौत होने को वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो AEFI। AEFI के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 मौतों की असेसमेंट करने के बाद पहली मौत का कंफर्म किया है। 2 और लोगों में एनाफिलैक्सिस के लक्षण दिखे। रिपोर्ट के मुताबिक AEFI कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा की अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया कि 2 और लोगों में वैक्सीन लगने के बाद एनाफिलैक्सिस की समस्या सामने आई। इनकी उम्र 20 साल के आसपास थी। हालांकि हॉस्पिटल में इलाज के बाद दोनों पूरी तरह से रिकवर हो गए थे। इन्हें 16 और 19 जनवरी को वैक्सीन लगाई थी। डॉक्टर अरोड़ा ने मामले में आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 3 और मौतों की पुष्टि होना बाकी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 और मौतों की वजह वैक्सीन को माना गया है, लेकिन अभी पुष्टि होना बाकी है। सरकारी पैनल की रिपोर्ट कहती है कि वैक्सीन से जुड़े हुए अभी जो भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं उनकी उम्मीद पहले से ही थी। इनके लिए मौजूदा साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर वैक्सीनेशन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये रिएक्शन एलर्जी से संबंधित या एनाफिलैक्सिस जैसे हो सकती है। इन मामलों की जांच की गई। कमेटी ने बताया कि टीकाकरण के बाद सामने आए इन 31 सीरियस मामलों को वैक्सीन के असर के मुताबिक अलग अलग भागों में बांटा गया। 18 मामले संयोग से सामने आने वाले मामले जो टीकाकरण से जुड़े नहीं हैं, यानी कि टीकाकरण के बाद रिपोर्ट किए जाने वाले मामले जिनके लिए टीकाकरण के अलावा भी एक स्पष्ट कारण पाया जाता है। क्या है एनाफिलैक्सिस एलर्जी? एनाफिलैक्सिस एक घातक एलर्जी होती है जिसका तुरंत इलाज किया जाना बेहद जरूरी होता है। यह बहुत तेजी से फैलती है। एनाफिलैक्सिस में पूरा शरीर बुरी तरह प्रभावित होता है। एनाफिलैक्सिस के लक्षण, स्किन पर रैसेज हो जाते हैं, खुजली होने लगती है और सूजन भी आ जाती है। खांसी के अलावा सांस लेने में भी दिक्कत होती है। पेट में अजीब सी ऐंठन और उल्टी आने लगती है। चक्कर और सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आती है। डायरिया हो जाता है और जीभ पर भी सूजन आ जाती है। शरीर पीला पड़ जाता है और पल्स रेट भी घट जाती है। खाने पीने में परेशानी होने लगती है और गला भी टाइट सा हो जाता है। एनाफिलैक्सिस का इलाज। एनाफिलैक्सिस अक्सर एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क में आने के बाद तुरंत ही अपना रूप दिखा देती है। हालांकि कभी कभी इसे सामने आने में कुछ घंटे भी लग जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में एपिनफ्रीन का शॉट एकदम कारगर है। इसे तुरंत ही मरीज को दिया जाना चाहिए। यह एक एड्रेनलिन ऑटो इंजेक्टर होता है जो ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देता है। इसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में भी मदद करती है और सांस लेने में हो रही कठिनाई भी दूर हो जाती है। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
सुनने के लिए धन्यवाद।